हाय, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यहाँ देखिए, सुबह हो गई है और माहिरा जी अपने बाबा के पास बैठी हुई है। तो ये ना अपने बाबा को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं दोनों, कहना बिल्कुल नहीं मानती हैं। और केप लगाती हूँ ना मैं माहिरा की, तो ये बार बार उतार कर इसको फेंक देती है। बच्चों का यही काम गाइस। फिर इसके बाद जो है, ये मैंने कल जो क्लॉथ्स धोए थे, ये मतलब सूखने के बाद यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो इनकी तय कर देते हैं, को तय करके अच्छे से रख देते हैं। हम न्यू होम में जाने वाले हैं 2-3 दिन के बाद, तो आपको दिखाऊंगी न्यू होम। आज तो मेरे रूम के जो हैं कर्टेन वगैरह लेने के लिए जाएंगे और मैट्स जो होती नीचे बिछाने के लिए वो लेकर आएंगे। और उधर देखिए माँ खेल रही है और उसको मैं रोटी खिला रही थी अभी, तो मैंने एक निवाला खिलाया। फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके खिलाएँगे, नहीं तो वॉमिट कर देती है। चलिए करते हैं। मोबाइल भी तो सेट करना पड़ता है गाइस। गाइस आपको दिखाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ से आपको अच्छे से दिखेगा। ये सोफे के कवर हैं, इनको भी तह बना कर रख रही हूँ। और बेड शीट वगैरह जो तुम रखी हैं सबको, क्योंकि यहाँ से जो है मेरा सामान उठकर उस हमारे रूम में जाएगा, तो यहाँ पर क्या फ़ायदा है अब मतलब कवर वगैरह डालने से। सोफ़ा भी जो है गाइस, मेरा सोफ़ा जो है इसको मैं गद्दी और कवर वगैरह दूसरा चढ़वा रही हूँ। ये पुराना हो गया है ना, ख़राब सा हो रहा है, बहुत गंदा, तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा रखा हुआ न्यू घर में, तो इसलिए मैं दूसरा चढ़वा रही हूँ। तो फिर दिखाऊँगी आपको, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ चढ़ने से पहले क्या हालत है इसकी। पहले कपड़े तय कर लूँ तभी दिखेगा, अभी तो इस पर कपड़े रखे हुए हैं तो अच्छे से नहीं दिख पाएगा आपको। और गाइस सबके तो इतने व्यूज़ हो जाते हैं, इतने लाइक, इतने सब्सक्राइबर, मेरा तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं बहुत टेंशन में आ रही हूँ कि ना तो मेरा चैनल चल रहा है, इतने 1 साल हो गया है पूरा और अभी तक कोई 1600 सब्सक्राइबर है मेरे। गाइस प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये मैं तह लगाती जा रही हूँ सारी चीज़ों को। इधर तो मैंने कवर वगैरह कर लिए हैं, यहाँ बेड शीट रख दी है और यहाँ पे झूला भी रखा हुआ है जो नायक के चूचक्का है। नायक उसकी नानी ने दिया था छोटे बचपन में। तो गाइस देखिए, ये है मेरा सोफ़ा जो बहुत गंदी सी हालत में हो गया है, बहुत गंदा हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ से जो है इसकी लकड़ी टूट भी गई है, तो ये इसका हालत बदलनी है, चेंज करना है इसको, ये बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो हम इसकी मरम्मत करवा रहे हैं सोफ़े की, तो इसीलिए मैंने कहा दूँ ये रहा सोफ़ा। कभी आप सोचें ऐसे ही झूठ बोल रही है कि हम न्यू घर में जा रहे हैं, सामान चेंज कर रहे हैं, तो सॉरी चेंज तो नहीं कर रहे, इसको ही ठीक करा रहे हैं सोफ़े को। इधर देखिए आप माहिरा को, वो कैसी है ना, ये डोरमेट है, मैं लेकर के आई थी इनको, जैसे दरवाजे में डाल देते हैं कि मैंने कहा काम आ जाएंगी। तो बस कपड़ों की तह करके रख दी है मैंने। और ये बैग है, ये नाया के माहिरा के कपड़ों का है। यहाँ पर तो जगह नहीं है ना इस रूम में रखने की, तो मैं इस बैग में रखती थी और वहाँ पर जाकर जो है हमने अलमीरा वगैरह बनवा ली हैं, तो उनमें रखूँगी माहिरा के, इनायक के, एक अलमीरा इन दोनों की हो जाएगी। और बस सारा सामान ऐसे एडजस्ट हो जाए। अब फिलहाल देखें मेरे रूम का क्या हाल रहता है, सेफ के ऊपर सामान, इधर उधर सामान, पूरा रूम भरा हुआ, इतना सा तो रूम है और उसी के अंदर सारा सामान। लेकिन कोई नहीं, 2-3 दिन के बाद हम शिफ्ट होने वाले हैं अपने नए घर में, तब वहाँ की वीडियो दिखाएंगे शिफ्ट होने के बाद कैसा लगेगा वो सामान रखने के बाद। और इधर माहिरा तो खेल ही रही है, अब चलो इसको थोड़ा सा खाना भी खिलाते हैं, एक निवाला खाया था इसने। देखिए रूम वूम क्लीन होने के बाद जो है मैंने नया के ऑयल लगाया सर में और कंघा कर रही हूँ, तो ऑयल जो है ये वाला डाबर आंवला लगाती हूँ मैं इस पर भी, और फिर चोटी बना रही हूँ। पता है बोलती है मम्मा अपने जैसी चोटी बनाऊँ, जैसे मैं रात को कभी कभी ऑयल लगा के और बालों में पलटी के सो जाती हूँ ना, ऐसी बोलती है, इसको पसंद है ऐसी वाली। तो कोई नहीं, मैं बना देती हूँ इसकी ऐसी ही चोटी। और गोली को देखिए, गोली इधर उधर, बस चादर को ऐसे ही करने में है, ये देखो गोली को। गाइस इनाया की चोटी बन गई है, इनाया अपनी चोटी दिखा दो, इधर को दिखा दो, इसी चोटी राया को पसंद आती है, बच्चों की पसंद है। माहिरा यही एक कॉम बचाया आपने, सारे खो दिए, लाओ देखो दो, इधर जल्दी लेकर आओ, गंदी बात दे दो माही,
मम्मा को दो, वेल डन बेबी, दे दो जल्दी आओ, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, गिव मी बेबी, गिव मी कॉम यू मम्मा नाउ, माहिरा कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर, ऐसा नहीं सुनती आप, बोलना सिखा रही हूँ तो आप भी देख सकते हैं किस तरीके से मुझे नाया को दिखाती हूँ मैं करके, और कैसे आती है नाया, ऐसे करो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके दिखाना भाई जी, ना ऐसे नहीं होगा, तो मैं इसे ट्रैक करती हूँ इस तरह कि आप भी ऐसे कूदोगी चलोगी, तो मैं इसे बुला रही हूँ, आओ ना जल्दी चल के आ जाओ, शाबाश। तो नाया जैसे एक कदम तो रख लिया था नाया ने, दूसरा रख रही थी, एकदम से गिरी, चलो फिर आओ, अब इधर से आओ, इधर से शाबाश, सीधे खड़े हो पहले, बिल्कुल सीधे ना, खुले बैठाओ, खुले बैठाओ, हिप्पी हटाओ अपने, जल्दी आओ, शाबाश, चलोगी ना फिर माहिरा की तरह, दौड़ोगी आप, आओ आओ शाबाश, पहले सीधे खड़े होना है ना, सीधे खड़े होना है, सीधे खड़े होने के बाद आना है, पहले कूलर भी हटाओ, सीधे खड़े हो बिल्कुल, आ जाओ, ये देखिए गाइस, इनाया इस तरह से एक कदम रख के और दूसरे कदम पे मुझे पकड़ लेती है, बस इतना एक कदम उठा पाती है अपने से, और दुआ करें आप कि अल्लाह इसको चला दे, अभी मैं नीचे से दिखाती हूँ आपको पूरा व्यू, पूरा व्यू देखें आप इनाया के चलने का, पैर किस तरह उठाती है, पैरों को दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, ये देखें, अब देखना इनाया आओ, मुझे ऐसे खड़ा होना पड़ता है एकदम से स्ट्रेट इसको पकड़ने के लिए, पहले सीधे खड़े होना है, सीधे 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 खड़े हो जल्दी से, आओ आओ, ये देखिए एक कदम और दूसरे कदम पे मैंने इसको पकड़ लिया, क्योंकि वरना ही गिर जाती है, और चलाना भी होता है तो कैसे चलाती हूँ, चलो नाया मैं पीछे से चला पकड़ लूँगी आपको, आप चलो आगे आगे, चलो शाबाश, चलो मैं पकड़ लूँगी, चलो 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 इस तरह से गाइस, फिर ऐसे चलना है, फिर मैं पकड़ लूँगी पीछे से आपको, ठीक है चलो इस तरह से, लेकिन इनाया जो है ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती अपनी बॉडी, और इनाया के जो पीछे कवर है उसकी नसें में सुकड़न है मैंने बताया था, तो कंट्रोल नहीं कर पाती है गाइस, इसलिए इससे बिल्कुल नहीं चला जाता, ये देखिए आप यहाँ का जो हिस्सा है इसका, यहाँ से वो कंट्रोल नहीं कर पाती है गाइस, इनाया को चलाने वगैरह के बाद शाम का टाइम हो रहा है, और मैंने जो है फेस वॉश अभी क्या है शाम में, क्योंकि आज मेरा फेस वॉश नहीं हो पाया था, और शाम के बज रहे हैं आप देखिए घंटे में 5, और हम जाने वाले हैं बाहर, बाहर लेने जाने वाले हैं कर्टेन और मैट्स लेने हैं बाहर से, तो लेने वाले हैं, और मायरा सो रही है और इनाया खेल रही है, और मैंने जो है खाने में दाल बनाई थी, दाल के साथ चावल बनने के लिए रख दिए हैं, तो हम खाएँगे दाल चावल, तो बस अब दिखाते हैं आपको, मिलते हैं। और गाइस ये वीडियो है अभी की 1 घंटा पहले सुबह की, अगले दिन की वीडियो है, ये मैगी बनाई है मैंने, और माहिरा नाया को तो मैगी बहुत पसंद है, ये देखिए कैसे खाने के लिए माहिरा उतावली हो रही है, और अपने हाथ से खाना स्टार्ट कर दिया है उसने, और अभी अगर मैं उसके लिए खाना लेकर आऊँ ना, पराठा रोटी या कुछ भी राइस वगैरह, तो नहीं खाएगी बिल्कुल, और देखिए कैसे खा रही है, और मैं इनाया जो है वो भी यहीं बैठी हुई है, उसको भी मैगी बहुत पसंद है, तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं भी खा लेती हूँ मैगी, तो बाकायदा सब खा ही लेते हैं, तो बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।